Assalamu alaikum, welcome back to another vlog of Husbazi. So today's vlog is all about food review in mukbang. मतलब हम अभी एक रेस्टोरेंट जाएंगे, उसका फूड टेस्ट करेंगे, उसके बारे में रिव्यू करेंगे और आपको ईटिंग शो देखने को मिलेगा. अभी हम हैं दुबई के बुर्जमान मॉल में और हम मिस्टर क्रैप रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं. आपको नज़र आ रहा होगा ये वन ऑफ द हाई रेटेड सी फूड रेस्टोरेंट्स में से एक है. अभी हम एंटर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में एंड द एम्बियंस वॉज रियली गुड. यू कैन सी द वॉर्म लाइट्स, इतना प्लेसेंट फील दे रहा था. तो आपने वीडियोज़ बहुत सारे वीडियोज़ में गूगल में हर जगह देखा होगा लाइक पीपल ईट ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ फूड, मतलब सी फूड बॉयल सॉस के साथ डिप करके खा रहे होते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉट ओनली मी, मुझे और अजीम को बहुत अच्छा लगता है. वी वर क्रेविंग फॉर सम सी फूड, टू वी सर्चिंग फॉर अ गुड प्लेस एंड दिस वॉज इन आर लिस्ट. और अगर आपको कोई ऑथेंटिक सी फूड एक्सपीरियंस करना है तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू. हम बहुत एक्साइटेड है ट्राई करने के लिए क्योंकि मैं और अजीम तो फूडीज़ हैं और सी फूड के लिए तो मतलब दीवाने हैं. और हमारे साथ है हमारी फ्रेंड नगमा और उसको क्रैप बिल्कुल भी नहीं पसंद है और हम आए हैं क्रैप रेस्टोरेंट. तो देखते हैं, अगर उसको पसंद आ गया है, वो टेस्ट कर लेती है तो इट्स अ थम्स अप. हमारा टेबल लग चुका है और हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं. ऑर्डर कर दिया है और आप देख सकते हैं दोनों कितने बदमाश हैं, एकदम सब चीज़ खींचे जा रहे हैं. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, जब भी खाना खाने के लिए बैठेंगे तो बच्चे तो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएंगे. तो हमारा ऑर्डर इधर पहुंच चुका है. हमने ऑर्डर किया था ब्लू क्रैब बोनांजा. इट्स बेसिकली मिक्स ऑफ ऑल सी फूड्स. इसमें है प्रॉन्स, क्रैब्स, मसल्स, कॉर्न, स्वीट पोटैटो और इसके साथ आप ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं. आपके पास दो चॉइसेस हैं, पीच आइस टी या फिर लेमन आइस टी. और फिर ये केजन सॉस से बना है और इस सॉस का स्पाइस लेवल भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, मीडियम, वेरी लेस और एक्सट्रीमली स्पाइसी. और इसके साथ आपको मिलेगा स्टिकी राइस. ये स्टिकी राइस पर पर्सन के लिए मतलब अनलिमिटेड है. मतलब जो चीज़ हमने ऑर्डर किया था वो 4 पर्सन के हिसाब से है, 4 हेड्स के हिसाब से है. अगर उसके हिसाब से वो लोग कॉस्ट भी बढ़ाएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे. और अगर आप मेन्यू के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमने लिया था क्रैब बोनांजा, ब्लू क्रैब बोनांजा लिया था. क्रैब बोनांजा में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे. अगर आपको किंग क्रैब ट्राई करना है जो कि बहुत ही बड़ा क्रैब रहेगा, आपको उसमें बहुत फुल मीट होगा. हमने जो ब्लू क्रैब लिया था वो रेगुलर क्रैब था, जैसे कि यूजुअली हम खरीदते हैं शॉप्स में, और उसमें नॉर्मली जैसे मीट होता है वैसे ही होता है. मगर किंग क्रैब अगर आप उठा लेंगे तो काफ़ी सारा मीट होता है. नहीं तो आप मट क्रैब चूज़ कर सकते हैं. मट क्रैब के साथ भी सेम बेबी पोटैटोस, कॉर्न्स, मसल सब आ जाएंगे. अगर आप मसल्स नहीं पसंद करना चाह रहे हैं, सिर्फ क्रैब खाना चाह रहे हैं, तो वैसे भी आप चूज़ कर सकते हैं. देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैटर्स, वो भी ट्राई कर सकते हैं. ओनली क्रैब, ओनली श्रिम्प एंड मतलब जैसे कि और मिक्सड ग्रिल प्लैटर्स, फ्राइड प्लैटर्स. ये जो हम खा रहे हैं वो तो बॉयल्ड सी फूड विच इज़ मिक्सड विद केजन स्पाइसेस. आप फ्राइड भी ले सकते हैं. यहाँ मेन मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो थी फ्रेश फूड, क्योंकि यहाँ का बहुत फ्रेश लग रहा था. क्योंकि अक्सर हम सी फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो काफ़ी सारे जगह में आपको स्टोर्ड फूड देते हैं, जैसे कि प्रॉन्स अगर रखा होता है तो फ्रोजन प्रॉन्स को कुक करके देते हैं. यहाँ एकदम फ्रेश हमें फील हो रहा था एंड द स्पाइसेस वर टू गुड. और यहाँ मैं खा रही हूँ प्रॉन हेड. कॉमेंट डाउन बिलो जिस किसी को भी प्रॉन हेड पसंद आता है. मतलब यू शुड एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ द फूड मैन एंड देर इज नथिंग रॉन्ग फॉर दोज हू टेल प्रॉन हेड खाते हैं आप. मतलब देर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग दैट. इट्स टोटली सेफ एंड हेल्दी एंड यू कुड लिटरली टेस्ट गार्लिक, दोज चॉप्ड गार्लिक इन एवरी बाइट ऑफ योर्स. इट वॉज रियली यम्मी. यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. और माशाल्लाह माशाल्लाह से अजलान को भी अच्छा लग रहा था because he enjoyed the seafood very well as much as we did. तो फिलहाल हम मॉमी ड्यूटीज ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू होगा हमारा ईटिंग शो. तो हमने पहले मेंशन किया था कि नगमा को क्रैप पसंद नहीं है, वो नहीं खाती है. तो इस बार उसने टेस्ट किया और उसको बहुत अच्छा लगा. सो इट्स अ वेरी बिग थम्स अप.
आप अगर ट्रैवनोंजा के कोई भी ऑप्शंस चूज़ करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो आपको आइस टी के साथ साथ क्रैकर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं. एंड इट्स नॉट अ रेगुलर राइस क्रैकर, इट्स अ प्रॉन क्रैकर एंड इट कम्स विद अ डिप, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट टू. हमने 4 लोगों का मील ऑर्डर किया था, तो नगमा ने पहले ही हार मान ली है, उसने बहुत कम खाया है, और मैं और अजीम तो अभी भी लगे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग इट. अगर आप 4 लोग जा रहे हैं जो नॉर्मली खाते हैं, तो ये चीज़ आपको भारी पड़ जाएगा. तो अगर आप फूडीज हैं जैसे कि मैं और अजीम, तो बिल्कुल सही रहेगा. वहाँ वो लोग ग्लव्स ऑफर कर रहे थे और हैमर्स ऑफर कर रहे थे टू ईट क्रैब्स, ताकि उसको ब्रेक करके अच्छे से खा सकें. तो हमने कह दिया रहन दें, हम तो हाथ से ही काम चला लेंगे, हम लोग तो प्रो ईटर्स हैं. तो हमारा फूड टुवर्ड्स द एंड आ चुका है और हमने बहुत इन्जॉय किया, वी लव द टेस्ट ऑफ इट. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिव्यू यूजफुल रहा होगा और आपने हमारा ईटिंग शो देख के इन्जॉय किया होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन अ मुकबांग इन आवर चैनल. तो अगर आपको ऐसे ही ईटिंग शोज पसंद आए हैं, तो ज़रूर कॉमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते ही रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.